हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू योर न्यू डायरेक्शन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में शिक्षा रोजगार जगत की हर एक अहम खबर और महत्वपूर्ण खबर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और सबसे पहले इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे सीटेट 2022 नोटिफिकेशन की विस्तारित जानकारी कि कब तक परीक्षा हो सकती है और कब तक इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर में कराई जाएगी। जी हाँ, 16 नवंबर से 15 दिसंबर 2022 के बीच में ऑनलाइन परीक्षाएं इसकी होंगी। और हम आपको बता दें, इसके लिए जो शॉर्ट नोटिस है वो कल देर जारी हो चुका है और उसकी हमने जानकारी भी आपको दी है। जानकारी दोस्तों ये भी है कि seetit.nic.in की आधिकारिक वेबसाइट पर 20 जुलाई से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और लगभग 7 अगस्त के आसपास इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। इस बार 20 भाषाओं में जो इसकी परीक्षा है वो होगी और 20 जुलाई को ही इसका पूरा सिलेबस, पात्रता, सभी चीज़, जो भी अहम तिथियां हैं, अहम डिटेल्स हैं, वो आप 20 तारीख को देख पाएंगे। अगर आप एक यहां पर यानी कि प्राथमिक के लिए आवेदन करते हैं तो 500-600 रुपये आपको देने होंगे, लेकिन अगर आप दोनों परीक्षाओं के लिए यहां पर आवेदन करते हैं तो लगभग आपको 1200 रुपये और 1000 रुपये यहां पर देने होंगे। कैटेगरी वाइज यहां पर आपको छूट भी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप सीटेट 2022 क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आप तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि 20 तारीख को नोटिस आ रहा है। विस्तृत जानकारी हम आपको 20 तारीख के वीडियो में दे देंगे। अगली अपडेट दोस्तों सरकारी नौकरी को लेकर, अगर आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं तो 876 पदों पर अप्रेंटिस एक्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 15 वर्ष मिनिमम, 24 वर्ष अधिकतम यहां पर आयु मांगी गई है। आपको हाई स्कूल में 50% अंक होना चाहिए, साथ में कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्राम असिस्टेंट के ट्रेड में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। 10वीं और इसकी जो आपके आधार पर अंक होंगे उसी के आधार पर यहाँ पर आपके तैयार किया जाएगा, मेरिट तैयार की जाएगी और फिजिकल फिटनेस, मेडिकल टेस्ट, इस सभी चीज़ का आयोजन अलग से होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसी के आधार पर आपका चयन होगा। अगर आप इच्छुक हैं तो 100 रुपये की फीस जमा करते हुए 26 जुलाई 2022 से पहले इस आधिकारिक वेबसाइट से आप ऑनलाइन आवेदन जरूर कर लें। अगली अपडेट भी दोस्तों रोजगार को लेकर ही है। जी हाँ, सुबह 10 बजे आप बृहद रोजगार मेला में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर याद रखिए sewaayojan.up.nic पर आपका पंजीकरण यहाँ पर होना जरूरी है। ITI में रोजगार मेला 21 जुलाई को लगने जा रहा है प्रयागराज में। अगर आप इच्छुक हैं तो आप अपने सभी शैक्षिक ओरिजिनल प्रमाण पत्र के साथ यहाँ पर जरूर से जरूर जाएं। अगर आप हाई स्कूल हैं, इंटर हैं, स्नातक हैं, परस्नातक हैं, डिप्लोमा हैं, ITI कुछ भी हैं, हर तरह की वैकेंसीज वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी और 10,000 से 20,000 रुपये तक आप सैलरी पा सकते हैं। अगली अपडेट दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही है। आपको मैंने पहले भी सूचना दी थी कि बस कंडक्टर की भर्ती आई थी और बस कंडक्टर की भर्ती को अब इस टेंडर को पूरी भर्ती को भी फिलहाल नहीं रद्द हुआ, लेकिन टेंडर को रद्द कर दिया गया है। तो टेंडर को रद्द करने से ही आप समझ ले सकते हैं कि भर्ती जो प्रक्रिया है वो यहां पर रुक चुकी है। लगभग 290 संविदा कंडक्टर की भर्ती होनी थी, लेकिन टेंडर में कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली। गड़बड़ियां ये कि पुराना ही टेंडर जो लोगों के पास था उन्हीं को दिया गया, इसी के चलते इस परीक्षा को लगभग जो है इस प्रक्रिया को रोक दिया गया है। अब दोबारा से यहां पर टेंडर निकाला जाएगा, उसके बाद ही अब इन पदों पर भर्ती होने वाली है। तो ठीक है, अब इसमें जो भी छात्र आवेदन करने वाले थे या कर चुके थे उन सभी के लिए यहाँ पर अच्छी अपडेट नहीं है, क्योंकि यह प्रक्रिया पूरी तरह से रुक चुकी है।